तो यहाँ पर हम लोगों ने एक हदीस से रिलेट करके यहाँ पर एक टाइम पिरामिड बनाया है, जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा जहाँ पर मैं अपनी उम्मत को आगे लेकर जाऊँगा। वो दौर था प्रॉफिट उसका दौर, वो था 16 से 6 तक। उनके बाद उन्होंने कहा कि मेरे चार खलीफा जो है मेरी उम्मत को आगे लेकर जाएंगे। वो दौर था 632 से 661 तक। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे नबी की उम्मत को आगे लेकर गए। उन दोनों स्टेज में जो था इंसाफ, दुनिया में इंसाफ और अमन कायम था और लोगों पर जुल्म थोड़े कम थे, लेकिन इसके बाद उसे जो है इंसाफ घटता गया और जुल्म लोगों पर जुल्म बढ़ता गया। तो 1661 से लेकर 1924 तक वो हेरिडिटरी लीडरशिप था। हेरिडिटरी लीडरशिप मतलब जो मुगलों का सब दौर था कि सिर्फ अमीर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली वाले अमीर खानदानों के ही बच्चों को जनरेशन बाई जनरेशन लीडर्स बनाते गए और वहाँ पर थोड़ा इंसाफ कम होता गया। तो उसके बाद जो है 1924 से आज तक टिल डेट बर्डिंग ऑपरेशन चल रहा है। बर्डिंग ऑपरेशन मतलब क्या है कि 1924 में सब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, इंडिया पर ब्रिटिश की हुकूमत थी और इंडिपेंडेंस के बाद भी आज तक भी अगर हम देखें तो लोगों पर बहुत सारे जुल्मात चल रहे हैं। तो उसके बाद हमारे नबी ने कहा कि ऐसा भी वक्त आएगा तो कैसे भी खलीफा आएंगे जो हमारे जो मेरी उम्मत को मेरे ही सारे लीडरशिप की क्वालिटीज रखेंगे और मेरी उम्मत को आगे लेकर जाएंगे। उसके बाद हमारे नबी खामोश रह गए, तो इसका मतलब उसके बाद क़यामत आने वाली है। तो ये जो आने वाले हैं जो ऊपर, वो रसूलुल्लाह के आलम से रहेंगे या कौन रहेंगे, उनका नाम कुछ बता सकेंगे आप? उनका नाम तो हदीस में मेंशन नहीं किया है, सिर्फ उनकी क्वालिटीज मेंशन की है कि वो ही कंसिस्ट ऑन द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड टेक हिज पीपल टू द राइट पाथ। अभी आपके भाई ने उन्हें बताया कि वो अहले बैत से वाबस्ता रहेंगे, अहले बैत के घराने से रहेंगे। इमाम मेहदी नाम बताया, वो इमाम मेहदी है। लोग कहते हैं कि वो इमाम मेहदी होते हैं, लेकिन इसका करेक्ट जो है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो अल्लाह को बेहतर पता है। तो थोड़े हदीसों में जो दिया गया है कि वो लोग इमाम मेहदी करके एक रहेंगे जो अल्लाह के नबी के सारे लीडरशिप क्वालिफिकेशंस रखेंगे, पोजेस करेंगे। शुक्रिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक हदीस से रिलेट करके यहाँ पर एक टाइम पिरामिड बनाया है, जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा जहाँ पर मैं अपनी उम्मत को आगे लेकर जाऊँगा। वो दौर था प्रॉफिट उसका दौर, वो था 16 से 6 तक। उनके बाद उन्होंने कहा कि मेरे चार खलीफा जो है मेरी उम्मत को आगे लेकर जाएंगे। वो दौर था 632 से 661 तक। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे नबी की उम्मत को आगे लेकर गए। उन दोनों स्टेज में जो था इंसाफ, दुनिया में इंसाफ और अमन कायम था और लोगों पर जुल्म थोड़े कम थे, लेकिन इसके बाद उसे जो है इंसाफ घटता गया और जुल्म लोगों पर जुल्म बढ़ता गया। तो 1661 से लेकर 1924 तक वो हेरिडिटरी लीडरशिप था। हेरिडिटरी लीडरशिप मतलब जो मुगलों का सब दौर था कि सिर्फ अमीर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली वाले अमीर खानदानों के ही बच्चों को जनरेशन बाई जनरेशन लीडर्स बनाते गए और वहाँ पर थोड़ा इंसाफ कम होता गया। तो उसके बाद जो है 1924 से आज तक टिल डेट बर्डिंग ऑपरेशन चल रहा है। बर्डिंग ऑपरेशन मतलब क्या है कि 1924 में सब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, इंडिया पर ब्रिटिश की हुकूमत थी और इंडिपेंडेंस के बाद भी आज तक भी अगर हम देखें तो लोगों पर बहुत सारे जुल्मात चल रहे हैं। तो उसके बाद हमारे नबी ने कहा कि ऐसा भी वक्त आएगा कैसे भी खलीफा आएंगे जो हमारे जो मेरी उम्मत को मेरे ही सारे लीडरशिप की क्वालिटीज रखेंगे और मेरी उम्मत को आगे लेकर जाएंगे। उसके बाद हमारे नबी खामोश रह गए, तो इसका मतलब उसके बाद क़यामत आने वाली है। तो ये जो आने वाले हैं जो ऊपर, वो रसूलुल्लाह के आलम से रहेंगे या कौन रहेंगे, उनका नाम कुछ बता सकेंगे आप? उनका नाम तो हदीस में मेंशन नहीं किया है, सिर्फ उनकी क्वालिटीज मेंशन की है कि वो ही कंसिस्ट ऑन द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड टेक हिज पीपल टू द राइट पाथ। अभी आपके भाई ने बताया, अभी उन्हें बताया कि वो अहले बैत से वाबस्ता रहेंगे, अहले बैत के घराने से रहेंगे। इमाम मेहदी नाम बताया, वो इमाम मेहदी है। लोग कहते हैं कि वो इमाम मेहदी होते हैं, लेकिन इसका करेक्ट जो है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो अल्लाह को बेहतर पता है। तो थोड़े हदीसों में जो दिया गया है कि वो लोग इमाम मेहदी करके एक रहेंगे जो अल्लाह के नबी के सारे लीडरशिप क्वालिफिकेशंस रखेंगे, पोजेस करेंगे। शुक्रिया।